क्या आपको पता है आपका टैक्स जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर। आज के वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आपकी कंपनी आपका टैक्स जमा करवा रही है या नहीं करवा रही। कई कंपनियां ऐसी हैं जो बताती हैं कि टैक्स जमा हो रहा है, हम कर रहे हैं आपका टैक्स, बट कई कंपनियां करवाती नहीं हैं। आपको पता होना चाहिए अपने राइट्स, हम अपना टैक्स अपने आप चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे कि कैसे अपना टैक्स चेक कर सकते हैं बिना किसी पैसे के, बिना किसी की हेल्प के आप अपने आप टैक्स को चेक कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दिख रही होगी, ठीक है, तो माउस भी दिख रहा है। आपने सबसे पहले ये वेबसाइट अपने फ़ोन में या फिर लैपटॉप में ओपन कर लेनी है। ये वेबसाइट फ़ोन पर भी अवेलेबल है। तो वेबसाइट है eporezna.porezna.,  ये पूरा कॉपी पेस्ट कर लेना, मैं लिंक नीचे दे दूँगा, आप कॉपी पेस्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम करेंगे एंटर इस वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली मेरा क्रोएशियन लैंग्वेज से इंग्लिश में इसने कन्वर्ट कर दिया। तो सबसे पहले करेंगे लॉगिन। तो यहाँ पर है कि लॉगिन टू ई सिटीज़न सिस्टम, ठीक है, ध्यान दीजिए ई सिटीज़न सिस्टम। ये तो है अब पोर्टल सिटीज़न वास्ते, है ना। तो हम भी सिटीज़न ही हैं, जिनके पास क्रोएशियन आईडी है वो सिटीज़न है, पर टेम्प्रेरी सिटीज़न है। जब आप अपने कार्ड को ट्रांसलेट करोगे ना, तो वहाँ पर लिख कर आएगा कि टेम्प्रेरी रेजिडेंसी कार्ड, हम टेम्प्रेरी रेजिडेंस हैं। तो हम इनकी कुछ फैसिलिटियों को कर सकते हैं, यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। ये वीडियो किसी ने नहीं बनाई है, तो चलिए कोई बात नहीं, ऐसी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पता चले यार आपकी कंपनियाँ कर रही हैं कि नहीं। तो हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे वाया बैंक, ठीक है। ये हमारे पास हाई लेवल सिक्योरिटी वाला सिस्टम नहीं है, ई पर्सनल आईडी ये वो चीज़ें नहीं होती है। हमारे पास एक्सेस होती है ये जो सेकंड नंबर का जो लेवल टू की, तो लेवल टू के अंदर आपके पास जो भी है अवेलेबल यहाँ पर, तो उससे लॉगिन करना है। जैसे OTP बैंक है, अडिको बैंक है आपका, या फिर कोई भी इनमें से आपका है, तो आप वहाँ से लॉगिन कर सकते हो। हम करेंगे जैग्रेबिच का बैंक से, जैग्रिब जिसको बैंक हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर ओके करेंगे। देन यहाँ पर क्या करना है कि आपने, मैं फ़ोन की स्क्रीन भी साइड में लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपने अपने मोबाइल का एमज़ाबा जो ऐप है वो ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद वहाँ पर ना आपको पहले नंबर पर ऑप्शन आएगी एम टोकन की, एम टोकन पर ओके करना है आपने। उसके बाद आपका आईडी पासवर्ड जो भी लगेगा वो लगाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगी अब पहले नंबर पर OTP, ठीक है। OTP ऐप एप्पली या एप्पल वन जो भी यहाँ पर लिखा है, इस पर ओके करना है। करने के बाद यहाँ पर ना टोकन सीरियल नंबर आएगा, तो सबसे पहले टोकन का सीरियल नंबर आपने एंटर करना है। मेरा जो है वो मैं एंटर करने जा रहा हूँ, आप अपना एंटर कीजिएगा। तो मैं इसको ब्लर कर देता हूँ अपने वाले को। तो उसके नीचे होगा OTP आपने एंटर करना है, अपना OTP किसी को मत बताए। तो चलिए करते हैं लॉगिन। ओ सॉरी, आई थिंक मैंने कुछ गलत एंटर कर दिया इसमें, एक मिनट। हाँ सॉरी, मैंने एक नंबर ज़्यादा एंटर कर दिया था। तो चलिए ये हो गया लॉगिन हमारा यहाँ पर स्क्रीन। लॉगिन होने के बाद ये देखिए मेरा नाम आ चुका है, मेरा टैक्स नंबर आ चुका है यहाँ पर। तो ये चीज़ें होने के बाद यहाँ पर हम इसको करते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ये रहा ट्रांसलेट, कुछ टाइम लगेगा थोड़ा सा इंग्लिश में ट्रांसलेट होने के लिए। तो वो हो गया। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन, ऑथराइज पर्सन, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो हमने यहाँ पर ओके करना है माई जियो PPD पर। तो चलिए जैसे हमने की किया, सबसे पहले तो आपके पास कंपनीज आ जाएगी, आपने किस किस कंपनी में काम किया है या कर रहे हो। तो मेरी दो कंपनी हैं, पुरानी कंपनी का नाम आ जाएगा यहाँ पर, नई कंपनी का आ जाएगा, उनका OIB नंबर आ जाएगा, जिससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कंपनी कौन सी है आपकी। ओके, तो चलिए 2024 ये देखिए नॉन टैक्सेबल जो रिसिप्ट पेड हुई है, जिस यही होता है, ठीक है, नॉन टैक्सेबल जो पेड हुआ है
वो है 328 यूरो और 50 सेंट, ये पेमेंट हुई है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो कितने कितने यूरो की आपकी पेमेंट कर रखी है आपकी कंपनी ने। यहाँ पर सारी डिटेल निकल आती है, पूरी डिटेल, ये देखिए सारा कुछ निकल आता है। नॉन टैक्स, ये देखो मेरे टैक्स ही नहीं पे किया इस मंथ का, तो ये फोर्थ मंथ है। तो ऐसे आप देख सकते हो कि आपका टैक्स पे कर रखा है कि नहीं कर रखा है। तो ऐसे ही आपकी कंपनीज भी पूरी आ जाएगी, कौन कौन सी कंपनी ने आपका टैक्स दिया है या आपका ड्यू बनता है, टैक्स इतना था आपकी कंपनी ने कितना दिया, तो ये चीज़ें सारी यहाँ पर आएगी। तो करंटली मेरा जो टैक्स पे कर रही है कंपनी वो है 377, ये मेरा टैक्स जा रहा है, 377 यूरो है, ठीक है। तो ऐसे इस पोर्टल से आप बहुत इंफॉर्मेशन ले सकते हो, बहुत चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हो। आई होप इस वीडियो को इतना लंबा नहीं करते, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम चैनल, इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है जी। ये है मेरा इंस्टाग्राम जिस पर वेरीफाइड टिक लगा हुआ है। तो मिलते हैं भाई, स्टार्टिंग है ना, क्या आपको पता है आपका टैक्स जमा हो रहा है, यू नो अपना टैक्स कैसे जमा करवा सकते हैं। वॉइस टेस्टिंग, ओके, 12 सेकंड्स लेटर, 3, 2, 1, वॉइस टेस्टिंग, वॉइस टेस्टिंग, वॉइस टेस्टिंग।